दिल्ली दंगे पर बड़ा खुलासा। कोर्ट ने 10 लोगों पर तय किए आरोप। कहा दंगे का मकसद हिंदुओं में डर फैलाना था। 50 से ज्यादा लोगों ने दंगे में गवाई थी जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम जुड़ेगी एक और उपलब्धि। भूटान सरकार ने की पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान देने की घोषणा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रक्षा संपदा दिवस कार्यक्रम में लिया भाग। कहा भारतीय सैनिकों के नाम पर रखी जाएंगी छावनी बोर्ड के तहत आने वाली सड़कों के नाम। स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में भी छावनियों में ऐसी कई सड़कें और इमारतें हैं जिनका नाम ब्रिटिश क्राउन के प्रति वफादार ब्रिटिश अधिकारियों और सैनिकों के नाम पर रखा गया है जो थे यहां। मैं ये सुझाव देना चाहूंगा एक आप सबको यहां की रक्षा मंत्रालय एवं डीजीडी इस बात पर विचार करे कि ऐसे सभी सड़कों और भवनों का नाम हमारे बहादुर सैनिकों और आधुनिक भारत के निर्माताओं के नाम पर रखा जाना चाहिए। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा हिंदू और हिंदुत्व को लेकर उन्हें बेहद कम ज्ञान है। हिंदुत्व के बिना एक हिंदू का अस्तित्व नहीं। ऐसा है कि उन्होंने हिंदू और हिंदुत्व शरीर और आत्मा के दो हिस्से कर दिए। हिंदुत्व के बिना हिंदू और हिंदू बिना हिंदुत्व के एक जीवमान हो ही नहीं सकता। इसलिए ही इज वेरी पुअर इन हिज नॉलेज एंड ही इज आल्सो पुअर इन हिज कंसेप्शंस। तो भगवान को प्रार्थना करूँगा सद्बुद्धि आए। हिंदू और हिंदुत्व एक शरीर और एक आत्मा का संबंध है। आत्मा हिंदुत्व है, शरीर का नाम हिंदू है। बैंकों के प्रस्तावित निजीकरण के विरोध में शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन बैंक कर्मियों की हड़ताल जारी। देश भर के सभी सरकारी बैंकों के 9 लाख से ज्यादा कर्मचारी हड़ताल में ले रहे हैं हिस्सा। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी, लेकिन ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा। बीते 24 घंटों में कोरोना के 7,447 नए केसेस दर्ज। 391 लोगों की गई जान। देश में ओमिक्रॉन से अब तक 97 लोग संक्रमित। देश के कई हिस्सों में ठंड ने दी दस्तक। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 4 से 5 दिनों के भीतर देश के कई हिस्सों में चलेगी शीतलहर। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानों में बढ़ेगी ठंड। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार की मंशा और नीतियों पर फिर उठाए सवाल। कहा फसलों के लिए MSP का मुद्दा अब भी बरकरार। ब्रिटेन में एक बार फिर बेकाबू हुआ कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटों में सामने आए 88,376 नए मामले। संक्रमण बढ़ने के लिए डेल्टा वेरिएंट के साथ साथ ओमिक्रॉन वेरिएंट जिम्मेदार। अमेरिका में लगातार बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने लोगों को चेताया। कहा वैक्सीन न लगवाने वाले लोगों को इस सर्दी में गंभीर बीमारी और मौत का करना पड़ सकता है सामना। इसी के साथ इस वक्त की टॉप 10 खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।